वक्त के साथ में बहुत सारी कहानियां मिट रही हैं। पार्ला की बिस्किट फैक्ट्री बंद हो चुकी है। बजाज चेतक ये स्कूटर अब बिकती नहीं है। एम्बेसडर कार एक जमाने में सबसे महंगी हुआ करती थी, मगर अब वो कहीं नजर नहीं आती है। रिदम हाउस, जहां पर आप में से कई लोगों की एक पीढ़ी की म्यूजिक कैसेट कलेक्ट करने की यादें थी, वो भी वक्त के साथ में रिदम हाउस बंद हो गया। आज एक बड़ी खबर आई है, गोदरेज ग्रुप ने आरके स्टूडियो खरीद लिया है। ये वही आरके स्टूडियो जो राज कपूर साहब ने 1948 में बनाया था। उनकी फिल्में बरसात, आग, आवारा, बूट पॉलिश, बॉबी, राम तेरी गंगा मैली, हीना, हर एक फिल्म के बनते वक्त एक कहानी थी और उसके बनने की एक कहानी थी, मगर आज ये सब कुछ इतिहास में जमा हो जाएगा। एक कमाल का कॉम्बिनेशन जिसमें राज साहब है, नरगिस जी है, हसरत जी है, शैलेंद्र जी है, मुकेश जी और मन्नाड़े साहब, ये इनके गानों के साथ हम लोग न जाने कितने सारे प्रोग्राम करते हैं। तो जब हम लोग इस प्रोग्राम को प्रेजेंट करते हैं तो हम लोग लोगों के एक्सप्रेशंस देखते हैं जो उस जनरेशन में जिए। आज की जनरेशन होटल नहीं जाती है, स्विगी से ऑर्डर करके खाना घर पे मंगाती है, लेकिन हर एक चीज़ का एक मज़ा है। वहाँ पर जाकर खाने में एक मज़ा है, वहाँ पर जाके देखने में एक मज़ा है। आज की यंगेस्ट जनरेशन तो फिल्में थिएटर में जाके देखना इस बात को तो कहानी ही समझते हैं, सब कुछ उनका मोबाइल पर आ गया है। लेकिन थिएटर में जाकर, नॉन एसी थिएटर में बैठकर, वो गुलाबी, नीली, हरी रेलवे पिक्चर की टिकटें मिलती थी, वो लेकर आना, इंटरवल में एक पर्टिकुलर जगह पर ही कुछ वड़ा समोसा मिलता था, वेफर्स मिलते थे, आइस कैंडी मिलती थी, ये सब कुछ अब ख़त्म हो गया है। और ये तो वक्त का तकाजा है, परिवर्तन जीवन का, सृष्टि का नियम है। तो हम नई जनरेशन की और नई उम्मीद के साथ देखेंगे। आज बहुत इत्तेफाक की बात है कि आज ही यशवंत नाट्य गृह में हम लोग मशहूर संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन जी के गानों का प्रोग्राम कर रहे हैं। अब यहाँ से निकल रहा हूँ, वहाँ पर हमारे NV2 के जीतू भाई ने खास एक ड्रेस बनाकर मुझे भेजा है। आई विल वेयर दैट एंड आई विल परफॉर्म। श्रीकांत नारायण इज देयर, मुख्तार शाह इज देयर, महोत्सव एंटरटेनमेंट हिनल जयवंत ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, मगर आरके स्टूडियो के बिकने की वजह से आज ये बात मेरे मन में आई, वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आई होप इन गानों के ज़रिए, लाइव म्यूज़िक के ज़रिए, कम से कम इन यादों को हम जिंदा रखेंगे, आप हमारे साथ में रहेंगे।